हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन। में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लौकी की सब्जी बनाने का एकदम नया और आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इस तरीके से आपने इसे पहले कभी नहीं बनाया होगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है, और मैंने जो ये लौकी ली है वो मैंने बड़े साइज के लिए है, और ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है। लौकी के मैंने यहाँ पर चार भाग कर लिए हैं, और इसको मैंने पहले छीलकर अच्छे से धो लिया था। तो लौकी के पीस आप लौकी के साइज के अनुसार करिए, अगर लौकी छोटी है तो उसके आप यहाँ पर दो से तीन पीस भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने एक जो आलू छीलने वाला जो छिलर होता है ना, उसको ले लिया है, और उससे देखिए लौकी के अंदर के पार्ट को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इससे बहुत ही आसानी के साथ अंदर का पार्ट निकल जाता है। तो देखिए, इसी तरीके से हम दोनों तरफ से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक पीस से मैंने दोनों साइड से इसके जो अंदर का पार्ट है उसको निकाल लिया है, और ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से खाली हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम सारी लौकी के अंदर वाले भाग को निकाल देंगे। और चलिए, अब इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में आधा कप दही ले लिया है, और दही जो है वो फ्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच सब्जी मसाला डाल देंगे, इसकी जगह पर आप किचन किंग का भी यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, इससे सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और इसी के साथ इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब देखिए, यहाँ पर जो ये लौकी के अंदर का जो पार्ट है इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, इन्हें एक मिक्सर जार में डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी भुने चने। अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप चने की दाल को भिगोकर भी ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें तीन से चार हरी मिर्च डाल देंगे, एक चम्मच जीरा डाल देंगे, एक चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे। सौंफ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, और ये डाइजेस्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। और इसी के साथ इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, और एक छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। और अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि लौकी के अंदर काफ़ी पानी होता है, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है। और अब देखिए, हमने इसको यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है, और देखिए कितना बढ़िया हमारा यहाँ पर ये पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, एकदम बारीक पीस कर तैयार हो गया है। तो चलिए, अब पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए, मसाले को भी एक साइड रखते हैं, और अब हम लौकी के सभी पीसों में ये देखिए इस तरीके से फोक की हेल्प से या टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनमें होल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इनमें होल कर लेंगे। तो सभी पीसेस में हम इस तरीके से इनमें होल कर लेते हैं। और अब देखिए, जो हमने मसाला बनाया था, हम मसाला लेंगे थोड़ा थोड़ा, और ये देखिए लौकी के अंदर हम इसको फिल करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से उंगली की हेल्प से इसको दबाते हुए अंदर तक हमें अच्छे से फिल करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको दबाते हुए भरेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से अच्छे से दोनों साइड से दबाते हुए हमें इसको भरना है। तो चलिए, लौकी के सारे पीसों को हम इसी तरीके से मसाले से भर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हमने सारे पीसों को अच्छे से मसाले से फिल कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसमें मसालों को भर दिया है। तो चलिए, चलते हैं अब गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस पर पहले ही कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पानी भी अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। तो इसके ऊपर एक हम ये जाली वाली छलनी रख देंगे। इसकी जगह पर आप जो दूध के ऊपर जाली ढकते हैं वो भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ये ना हो तो। अब देखिए, एक एक करके हम लौकी के सारे पीसों को इसके ऊपर रख देंगे, और अब किसी बड़ी सी परात या थाली की हेल्प से हम इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने देंगे। और अब देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, इसका ढक्कन हटाकर देखते हैं, और ये देखिए हमारी लौकी बहुत ही अच्छी तरीके से अब पक चुकी है। हमने जो लौकी में फोक से होल किए थे उसकी वजह से लौकी अंदर तक अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए, अब इसको ठंडा कर लेते हैं। और अब देखिए, लौकी बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। तो चलिए, अब हम इसको पीसों में काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके देखिए इतने बड़े बड़े ये पीस काट रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ना ज़्यादा पतले काटेंगे और ना ही ज़्यादा मोटे काटेंगे। ये देखिए, लगभग हाफ हाफ इंच के इसके पीस काट लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी लौकियों के पीस काट लेंगे। और लौकी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, तो एकदम आसानी के साथ कट रही है, और ये देखिए अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से पक भी गई है। तो सारी लौकी को हम इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने लौकी के सभी पीसेस को कट कर लिया है, और ये देखिए अभी से ही कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो चलिए, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
तो यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन रख लिया है और उसमें हम लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन हमें बस 2 चम्मच ही तेल लेना है, ज़्यादा का हमें यूज़ नहीं करना है। और अब देखिए लौकी के सभी पीसेस को हम एक एक करके इस तरीके से पैन में रख देंगे और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर इस टाइम मीडियम रखी है। तो चलिए एक एक करके सभी पीसेस को हम पैन के अंदर रख देते हैं और इन सभी पीसेस को आज हम सेलो फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इनको बिना सेलो फ्राई के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ से इनको हम मीडियम आंच पर 1 मिनट से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर सभी को देखिए इस तरीके से पलट देंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा एक गोल्डन कलर आने तक हम इनको सेलो फ्राई करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम इनको उलटते पलटते रहेंगे और सेलो फ्राई कर लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा इनमें कलर आ गया है। और देखिए लौकी के पीस सब दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा इनमें कलर आ गया है, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सा इनमें एक कलर आ गया है और लौकी पर भी हल्के हल्के रेड कलर के स्पॉट्स आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि लौकी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इन सभी पीसेस को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और अब देखिए उसी पैन में हमने फिर से 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और तेल को गर्म होने दिया है। और अब इसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और अच्छे से हम इनको सोते कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मसाला बनाया था उसको हम इस पैन के अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो पहले अदरक लहसुन का पेस्ट को भूनकर और प्याज को भूनकर भी इस पेस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बिना लहसुन प्याज का ये सब्जी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसमें ये मसाला डाल दिया है। और अब मसाले को देखिए चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और मसाले भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए भुनने शुरू हो गए हैं। और अब बाउल में जो हमारे मसाले लगे रह गए थे उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इनको भी हम मसालों में डाल लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हम यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर इस टाइम बिल्कुल लो कर दी है। और अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और मसालों को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और अब देखिए मसाले भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। ये देखिए मसाले ने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल को सेपरेट कर दिया है। और इस टाइम पर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मलाई डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर जो घर के दूध की मलाई होती है उसका यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो अमूल क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे और मसालों के साथ भून लेंगे। और अब देखिए सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके लौकी के पीसेस को ऐड कर देंगे। सभी लौकी के पीस को हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी से ही हमारी सब्जी जो है बहुत ही अच्छी लगने लग गई है और बहुत ही अच्छी मसालों में से खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से लौकी की सब्जी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आप जब अपने घर पर आए मेहमानों को इस तरीके से लौकी बनाकर खिलाएंगे ना, तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। और जो लौकी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, वो भी 2-2 किलो लौकी एक ही बार में चट कर जाएंगे। सभी को इस तरीके से लौकी की बनाई सब्जी बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए लौकी के पीसेस को हम देखिए एक बार इस तरीके से मसालों के साथ अलट पलट करते हुए चला लेंगे, इससे जो दोनों तरफ से मसाले हैं लौकी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैं यहाँ पर इसमें लगभग 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग ही रखें, मैं आज यहाँ पर थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी रखूँगी, जैसे हम पनीर की या कोफ्ता वगैरह की रखते हैं उस तरीके से आज मैं इसमें ग्रेवी रख रही हूँ। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर हम लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सभी चीज़ें पकी हुई हैं तो अब इस सब्जी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब देखिए मैंने 2 मिनट के बाद गैस को बंद कर दिया था और ये देखिए हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है और लौकी का जो टेक्स्चर है वो भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम यूनिक तरह से हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। क्या आपने इस तरीके से पहले लौकी की सब्जी कभी बनाई है? अगर बनाई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई लौकी की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो चैनल पर पहली बार आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।